हैप्पी नवरात्र सभी लोगों को, मेरा प्यार भरा नमस्ते। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, और न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं दिल्ली से। जैसे कि आप सभी लोगों को, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं है, मैं आ रही हूँ दिल्ली। परसों आ गई थी, नहीं कल आ गई थी, और आज है फर्स्ट नवरात्र हमारा। तो वैसे भी इस बार नवरात्र नहीं है, तो मैं आ रही हूँ दिल्ली। और भाभी अभी सुबह का नाश्ता पानी सब लोगों ने कर दिया, भाभी का है व्रत, मैं भी समझ लो अभी तक मेरा भी व्रत ही है। और यहाँ पे भाभी और मैंने मिलजुल के दोनों ने मंदिर सजा दिया है अच्छे ढंग से। भाभी कर रही है अब तैयारी पूजा की, और इसके बाद जाएंगे हम नाश्ता करके मार्केट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे भतीजे लोग चले गए हैं, सब लोग चले गए अपने अपने स्कूल, और भैजी तो ड्यूटी से आके थोड़ा आराम कर रहा है। भैजी हो रही है भाभी की पूजा, और अभी मेरी भाभी की हो रही नवरात्र की शुरू पूजा शुरू। खोल दे पुजारी मंदिर के, आई मेरी मैया सज धज के। पट्टी खोल दे पुजारी मंदिर के, आई मेरी मैया सज धज के। जय हो माता रानी की। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब भाभी शायद पूरे दिन, पूरे 9 दिन के लेते हैं कि पता नहीं अब क्या होता, बल वो तो भाभी ही जाने, वो भगवान ही जाने। अब देखते हैं है ना क्या होता है। फाइनली हमारी पूजा पूरी हो चुकी है, मैं कर रही हूँ नाश्ता, इसके बाद हम चलेंगे मार्केट। आप लोग हमारे साथ बने रहें, और वैसे हम बनाएंगे दिन का खाना भी बनाएंगे हम, वैसे खाना भी बना के रखेंगे अपने भतीजे लोगों के लिए, कि वो आने वाले हैं स्कूल से। कर रहे हो ना भाई जी? 1 बजे आएंगे दोनों के लगभग। हाँ, नाश्ते में बना रही है भाभी ने भिंडी। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं रिक्शे में, जो ई रिक्शा होता है, रिक्शे में बैठ चुके हैं, और चल पड़े हैं हम यहाँ से, क्वार्टर से बाहर आ गए हैं, और जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ। दिल्ली से और आगे जाएंगे शायद लाजपत नगर की ओर जाएंगे, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है आज। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमने ई रिक्शा छोड़ दिया है, यहाँ से जाएंगे हम मेट्रो में। तो भाभी देख रहे हैं मेट्रो का, और देख रहे हैं किसमें बैठना है हमने, ये तो इतनी जानकारी नहीं है। हेलो। तो फाइनली मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंच गए हैं, यहाँ पे ले रही है भाभी टिकट। अभी तो भीड़ बहुत कम है, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कैसे का ना, तो यहाँ पे हमको टिकट मिल चुका है, और यहाँ से हम आगे का सफ़र तय करेंगे। और मुझे वीडियो बनाते समय डर भी लग रहा था, कहीं कोई फोन अच्छी यहाँ पर बहुत जो रुकती है, आगे निकल चुकी हूँ, बाहर आ रही हूँ। अब किधर हमने सोचा जब तक हमारी मेट्रो नहीं आती है तब तक हम लेंगे एक सेल्फी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है फ़ोटो खींचने का, ऐसे इधर उधर घूमने का, है ना। तो हमने सेल्फी ली है, तो फाइनली हमारी मेट्रो आ चुकी है, हम बैठेंगे मेट्रो में, इंतजार करेंगे। तो फिर भी मैं चुप नहीं रही, फिर भी मैंने एक सेल्फी तो ली है मेट्रो के अंदर। तो भीड़ कम है, शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। भीड़ भाड़ा
क्या बोलते हैं इसको? रिक्शा ना? नहीं, आपके जो ये सवारी है क्या बोलते हैं इसको? रिक्शा? कौन सा रिस्क है ये? तो रिस्क है भैया, ये तो अभी बैठ के हम साइकिल वाले ई रिक्शा में, ये तो रिस्क है हमारे लिए आज। अभी जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे भाई? लाजपत नगर। देखते हैं क्या क्या खरीदारी होती है। मेट्रो तो हमने छोड़ दिया है, चल रहे हम आगे मार्केट की तरफ। आप लोग हमारे साथ बने रहे, सामान बेच कर ले जाओ। चलो सेल, यहाँ होल सेल की दुकान कहाँ होगी? चल पड़ो जाऊँ तो इचरे बार। अब हम पहुंच चुके हैं चूड़ी वाले दुकान पर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है चूड़ियों का। बहुत ही मतलब हर कलर की चूड़ियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पे। रेट भी थोड़ा बहुत है, वैसे भी ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही रेट है। तो यहाँ पे मुझे भी कुछ चूड़ियाँ पसंद आ गई हैं और भाभी को भी, हम ले रहे हैं थोड़ी कुछ चूड़ियाँ लेंगे यहाँ से, फिर चलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कपड़ों की शॉप पे। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिल रहे हैं और अलग अलग रेट के मिल रहे हैं, मतलब सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। तो देखते हैं हमको क्या पसंद आता है यहाँ पे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अभी घूमते घूमते हम बाहर आ गए हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मिल रहे हैं लड़कियों के, मतलब के लिए फैंसी ड्रेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे अच्छे रेट के मिल रहे हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ख़रीदारी कर दी है। अब चलते हैं हम सीधे अपने घर की ओर, क्योंकि हमारी शॉपिंग हो चुकी है। हम घर, ये रहा हमारा मेट्रो स्टेशन जहाँ पर हम बैठ गए हैं। भाभी ने खाया है एक सेब, सिर्फ एक आम खाया, आधा भाभी ने खाया आधा मैंने खाया। अब चलते हैं हम घर। घर पे और हमने मैंने कर लिया इतनी सारी शॉपिंग, अभी तो शुरुआत हो रही है, बाकी तो धीरे धीरे और शॉपिंग करनी बाकी है। थोड़ा बहुत पर्स भी लिए हैं मैंने और ये सूट लिए हैं। यार मैंने अपने लिए तो ये वाला पर्स लिया है, कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे छोटी मोटी पार्टी के लिए, छोटी मोटी क्या पार्टी, कोई भी हो पार्टी के लिए ये अच्छा है, छोटा है हाथ में रखने के लिए। इसमें सिर्फ हम फोन ही रख सकते हैं, बाकी और सामान तो नहीं आ सकता है इसमें, क्योंकि छोटा